ये सारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था, और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं, और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ, तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच रहे थे दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई, किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया, हमने कहा नहीं हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतजाम करने का दिल्ली सरकार द्वारा, टॉयलेट का इंतजाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की।